आज तक जो भी हुकूमत आया है उनके जो है नौकर चाकर के भी जो है ना छापे मार दिया, तो उनके जो है वो प्लाईबोर्ड के पीछे से जो है ना करोड़ों रुपया निकलते हैं, बाकी जो पैसे है वो उनका बाहर हर किस्म का कोनों में उन्होंने पैसे छुपाया हुआ है। यहाँ गरीब के लिए ये कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, गरीब का तो जनाजा निकाल दिया है। अभी हम आर्मी से रिटायर आए, हमारे पेंशन इधर डखाने से अच्छी तरह मिलता था, अभी इधर बैंकों में वो किया है, अभी 4-5 महीनों से हमें पेंशन ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस खाते में हमारे कागजात भेज दिया है। गरीबों का तो जो है ना ये जीना हराम कर दिया है। अभी हम फरियाद कर रहे हैं कि अभी हमारे मौजूदगी में हमारे पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी ये इधर SBI बैंक कनेक्ट अकाउंट एक खोला है, वो लोग भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, डकाने वाला भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, महंगाई उरूज पे है, बच्चों का फीस नहीं दे सकते गरीब लोग जो है। और इधर ये लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन करेंगे, पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, खाक ले जाएगा तुम लोगों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस वक्त सदर अयूब था उसके बाद जो भी आया है वो गद्दारी आया है पाकिस्तान के लिए। अवाम सही है, अवाम कुछ भी नहीं है, जो नुमाइंदे सीट पर आते हैं सबसे बड़ा गद्दार वो है। अगर यहाँ पाकिस्तान का आवाम अगर एक हो तो इनके लिए जो है ना बाइकाट करके वोट ही नहीं देना चाहिए। ये इलेक्शन में हमारा आवाम में भी बेगरती है, ये बिक जाते हैं एक प्लेट चावल के लिए। ये लोग आ गया तो कहते हैं कि अरे जी अभी हमारे दरवाजे में ये लोग आया है तो इनको वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, उन्होंने क्या किया है हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या किया है। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आके पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए हुकूमतें कर रहे हैं, क्या बिलावल ने क्या किया, मरियम ने क्या किया, पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। इनके जो है 22 व्हीलर में जरदारी का पैसे, मैं खुद वहाँ सिक्योरिटी में बैठा हूँ कराची में, 22 व्हीलर में इसके पैसे बुक होकर आते हैं। और गरीबों को जो है ये लोग घर से निकाल देते हैं, ठीक है कि नहीं, घर से निकालते हैं और दर बदर कराते हैं। कराची में मुझे पता है सिंध में जो है ये 6 महीना पहले जो है लोग गरीबों का कार्ड क्लोज करते हैं, कहते हैं कि अगर हमें वोट नहीं दे देंगे तो हम आप लोगों को बेघर कर देंगे, आप लोगों को जो है ना कत्ल कर देंगे, धमकियाँ दे के ये लोग कराची में हुकूमत कर रहे हैं। कोई भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के लिए, मुखलिस है तो वही सदर अयूब था, उसको भी ये लोगों ने कुत्ते के लकब दे दिया। कायद आजम के बाद सदर अयूब आया है, सदर अयूब के बाद जो भी आया है सब ने जो है ना पाकिस्तान को बर्बाद किया है। इंडिया को देखो, वो यार जो मुशर्रफ ने काम किया है वो जिंदगी में किसी ने नहीं किया है, उसको जो है ना यहाँ दफनाना नहीं दे दिया पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म हुआ मुशर्रफ को कहा कि इसको डी चौक में लटकाएंगे, लटकाना तो इनको चाहिए, जो उन्होंने ये सजा भी दिया था मुशर्रफ साहब को कि सीटेगा, उसने ये कह रहा था 3 दिन उल्टा लटकाएगा। वो खुदा के लिए यार किस मजहब में है मुझे ये समझाओ पहले, तुम मजहब किस में है, ये यहूदी में भी नहीं है, नसारे में भी है, काफिर में भी नहीं है। और मुशर्रफ ने अच्छा किया था, पाकिस्तान को आगे ले गया था, हमारी दौर में 25 रुपए किलो चीनी था यार। मुशर्रफ से सवाल किस दौर में कभी कोई रोड में क्यों नहीं आया, मैं ये सवाल करता हूँ, पाकिस्तानी आवाम से कोई रोड में क्यों नहीं आया, गुलाम बना के रख लिया, इन्होंने गुलाम बनाना है अभी आपको गुलाम के लिए, ये दोनों का जोड़ है, और पीपल्स पार्टी ये दोनों का जोड़ है, दूसरी राय ही नहीं है। इन्होंने आवाम को बेवकूफ बनाना है, कहना है कि मैं इसे किसी उठूंगा, कहाँ किसी ना शहबाज साहब दुनिया की उससे ला कर निशावर करूंगा, वो ये कह रहा था यहाँ साहब से जो है जो भूखे थे बेचारे उनको वो लड़ाई कर रहा था जी, मैं छुरा भी रहा बोला था, वो लंगरे भी बंद कर रहा है, अभी वो लोग उनका बब्बा है, ये अपने लिए माल बनाना है और कुछ भी नहीं है भाई, ये दोनों का जोड़ है बस, पाकिस्तान के आवाम के लिए नहीं करना है, गद्दार है हम इनको जो देते हैं। अभी अभी तो लोग समझ गए, पहले तो वो नहीं था ना, अब समझ गया, अभी उन्हीं का दरबारी ही रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, अभी उसके दरबारी रहेगा, बाकी चैलेंज कर दो, पाकिस्तान के आवाम खुद आके कहेगा नहीं जी आपको नहीं देना, आप आवाम के लिए महंगाई सत्ता किया, 21 आप
ऐसी मुसीबत आए तो इधर आते हैं। वो यार ऐसा कौन सी बिल होते हैं जिसको सारे आते हैं? अमेरिका का सदर का वो बीवी यार है ना, उसने इधर पाकिस्तान के गरीबों के लिए पैसे दे दिया तो वो भी मजलूम नवाज ने अपना अकाउंट में डाल दिया। वो इधर सरदारी ने वो टोपी पहना कर, सिंधी टोपी पहना कर लोगों को बैतुल माल का कार्ड दिया हुआ है यार। यहाँ तुम्हें पता नहीं है, यहाँ सैकड़ों लोग जो है ना मुलाजिम है वो खा रहा है। इन्हें से रिकवरी करना चाहिए, इसे क्लोज करना चाहिए। ओ माय गॉड, गुलाम हुसैन का खाना खा रहा है वो। ये कादिर साहब जो है ना वो बैतुल माल उसके लिए भेजा, जब तुम्हारे लिए नहीं दिया, मेरे लिए नहीं दिया। बताना चाहते हैं सर कि हमारे पेंशन चार पाई नहीं कर सकते, वो मजदूर में ड्यूटी लेकर यहाँ आए हैं। चार पाँच महीनों से हमारे पेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है। अभी हमारे मौजूदगी में ये हाल है, हमारे बीवी बच्चों को कौन तनख्वाह देगा? हमने पाकिस्तान के सरहदों का दिफा किया है, हमने जो है कारगिल मारा है, कारगिल में जंग लड़ा है। अभी जो है मैंने खुद रहा है, मेरा पीर जो है ना कश्मीर में है बॉर्डर, मैंने खुद रहा हूँ सियाचिन में 24,000 बुलंदी पे न्याजी बैठा हुआ, ठीक है ना। लेकिन इधर आके इस्लामाबाद में बैठकर वो कहते हैं जी यार फोर्स तो ऐसा है यार, फोर्स के अलावा बतौरा है पाकिस्तान की रीढ़ है फोर्स। गुड, जिस फोर्स को बोलते है ना वो गद्दार है पाकिस्तान का, कभी भी सोचो कोई भी हो, क्या छोटा हो ख्वाह बड़ा हो, नारा चित्त है न्याजी पाक फोर्स जिंदाबाद, फोर्स जिंदाबाद, हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद।